क्लास सेकंड पार्ट आठ राष्ट्रीय त्योहार पढ़ लिया हमने और इसका प्रश्न नंबर हमने पहला और दूसरा और तीसरा ये हमने तीनों कर लिए हैं। और अब हमारा है प्रश्न नंबर पांच। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें चार प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन चार प्रश्नों में से दो प्रश्न हम आज कर रहे हैं और आगे के दो प्रश्न जो है वो अगली क्लास में हम करेंगे। तो प्रश्न एक क्या पूछ रहा है, प्रश्न एक पूछ रहा है कि भारत में कैसे त्योहार मनाए जाते हैं। जो हमारा देश भारत है उसमें कौन कौन से त्योहार कैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो भारत में धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, धर्म से संबंधित होते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्र मीन्स देश से रिलेटेड है, देश के त्यौहार भी और धर्म से रिलेटेड धार्मिक त्यौहार, दोनों दो तरह के त्यौहार होते हैं। भारत में धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। समझ में आ गया कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, धार्मिक और राष्ट्रीय। भारत में धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। याद हो गया आपको प्रश्न एक। प्रश्न दो है, राष्ट्रीय त्यौहार क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार क्या होते हैं, जिन त्योहारों को सभी भारतीय, जिन त्योहारों को सभी भारतीय मतलब सारे भारत में रहने वाले भारतीय कौन होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं भारत में रहने वाले, जिन त्योहारों को सभी भारतीय एक साथ मिलकर मनाते हैं, जिन त्योहारों को सारे भारतवासी सभी भारत में रहने वाले एक साथ मिलकर मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल भी है स्वतंत्रता दिवस, आजादी का दिन। समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं, जिन त्योहारों को पूरे देश के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको कॉपी में भी करने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। प्रश्न तीन चार हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।